बीच में किट्टी अंकल गुरुजी टाइम के आज यहाँ आए हुए हैं, वो सत्संग करेंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, किट्टी अंकल का भी बहुत बहुत शुक्राना। आहूजा अंकल पहले सत्संग करेंगे, फिर उसके बाद वो होगा, शुक्राना करेंगे। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम, आई संगत को जय गुरु जी। सब ने मिल के कहना है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। एक चीज आप सिर्फ इतना ध्यान में रख लें, सो सतगुरु है, आप जिंदगी में कभी मार नहीं खा सकते। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। कितनी बार शुक्राना करूं मैं आपको बयान नहीं कर सकता। कोड़ियां दा मोल नहीं सी, हीरे दिया पै गया जदों तो मैं दाता तेरे चरणों में बह गया। मैंने वो टाइम देखा है और आज क्या कहूं कि क्या नहीं, सब कुछ है उस गुरु के घर में। सिर्फ पाएगा वो जो गुरु से प्यार करेगा। पिछले एक साल से लगातार पूरा यूपी हिमाचल घुमाया गुरुजी ने, हाजिरियां लगवाई और हर रंग दिखाया कि मैं क्या नहीं कर सकता। गुरुजी इज द ओनली सुप्रीम पावर। आप अपना पास्ट देखो क्या था, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर कितना बढ़िया होगा, क्योंकि हम गुरु की शरण में हैं। आज से पहले हमने कोई पंडित पुजारी पार्टी मौलवी तंत्र मंत्र नहीं छोड़ा, कोई मंदिर गुरुद्वारा नहीं छोड़ा। आज कहाँ है गुरु की हाजिरी में 24 घंटे। हमारी एक रूटीन बन गई है, व्हाट्सएप पे मैसेज देते रहना, बड़े मंदिर आज सोमवार है जाना, आज वीर शुक्र शनि, ये कौन कर रहा है? ये गुरु जी ने हमारा परिवार ऐसा बना दिया। इससे पहले कभी आपने सोचा था, जब तक गुरु जी से नहीं जुड़े थे, कि हमारी दुनिया क्या है? कोई काम नहीं था, टीवी के आगे बैठ के सीरियल देख लिए, घरों में क्या होती थी, प्रॉब्लम्स होती थी। आज आंटियों को पता है दोपहर ही होगी, 12 बजे सत्संग से जाना है, शाम ही जाना है, रात ही जाना है, तो एक रूटीन बना दिया। गुरु जी ने सबको जीरो से हीरो बना दिया, तो कितना उनका शुक्राना करें कम है। सत्संग बड़े हैं अंकल कर लें, मैं फिर करूँगा, मगर एक सत्संग की जो खड़ा हूँ ये गुरु की बड़ी कृपा है। सत्संग बड़े हैं, आप सुबह तक को मैं खड़ा हूँ, आपको पेशेंस रखनी है, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। क्यों? मैं तो उनकी डिस्पोजल पे हूँ 24 घंटे और 365 दिन का एक छोटा सा, क्या कहूँ मैं अपने को, सेवादार तो कहीं, सिर्फ पैर की मिट्टी। अभी 30 मई को डुगरी में मेरा एक्सीडेंट हुआ मेजर, गाड़ी टोटल स्मैश। 30 मई रात को 31 मई की सेवा में था मैं, हम चार लोग थे गाड़ी में। गुरुजी ने उन तीन बच्चों को जिंदगी देने के लिए, जिनकी उम्र 24 से 25 साल के बीच में थी, मेरे को वो जानते नहीं, पहचानते नहीं मैं कौन हूं, उनको ये पता है किट्टी अंकल है, ये सत्संग करने आते हैं। और मैं एक सत्संग पे गया, जाना मुझे 28 तारीख को डुगरी था, मगर फैमिली में एक फंक्शन आ गया, मुझे रुकना पड़ा। 29 तारीख को थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, 30 तारीख में सुबह निकला घर से, तो गाजियाबाद में सत्संग अटेंड करना जरूरी था, क्योंकि काफ़ी बड़ा सत्संग था। तो वहाँ जब सत्संग के बाद हम निकले तो कहते अंकल आप हमारे साथ चलो, आप अपनी गाड़ी पे क्यों जा रहे हो? आंटी मेरी साथ, आंटी को मैंने कहा यहाँ से जो बस जा रही है आप उसमें चले जाओ, आंटी थे बच्चे थे बस में चले गए। हम लोग कार से जा रहे थे, यंग बच्चे थे, जवानी का जोश, अनलिमिटेड स्पीड। रास्ते में जैसे जैसे मैसेज मिलते रहे कि आपको सरहिंद जाना है गुरुद्वारे में, वहाँ पर रहने का अरेंजमेंट करना है, जो संगत पीछे से आ रही है, कभी कोई मैसेज करते करते हम रात को 10 बजे खन्ना पहुँचे। खन्ना से जैसे डुगरी की तरफ जा रहे थे तो सामने से एक बड़ा ट्रक गार्डर का जा रहा था, जिसके गार्डर बाहर निकले हुए थे। वो ट्रक ने एकदम ब्रेक लगा दी, गाड़ी थी छोटी आल्टो, दो बच्चे आगे बैठे थे, मैं और एक अंकल पीछे बैठे थे। ब्रेक लगी, गाड़ी संभालनी मुश्किल हो गई, वहाँ से तो बचा लिया, सामने से एक दूसरे ट्रक ने और पीछे से टेम्पो ने हिट कर दिया, गाड़ी टोटल क्रैश। बड़ा मंदिर वहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर था, सेवादार पहुँच गए, हमें निकाला गया। तीनों बच्चों को गुरुजी ने बिल्कुल एक स्क्रैच नहीं आने दिया, मेरी टांगों शोल्डर और बाजू के ऊपर मल्टीपल फ्रैक्चर दिए,
बड़ी मुश्किल निकाला, सेवादार आ गए, फटाफट डुगरी हॉस्पिटल में ले गए, गाड़ी को वहां से रिमूव किया क्योंकि गाड़ी के कुछ डॉक्यूमेंट्स में कमी थी। तो जैसे सेवादारों ने गाइड किया कि ऐसे ऐसे केस बन जाए ना, डुगरी हॉस्पिटल में गाड़ी को उठवा के रखवाया गया। सारी रात वहाँ ट्रीटमेंट चला, 2 बजे पूरी मंदिर की टीम आ गई कि अंकल ये क्या हुआ। मैं कह, ये हमारे बड़ा बहुत बड़ा कष्ट गुरुजी ने टाला है, अगर हाईवे पे होता तो हमें दिन में तारे नजर आ जाते। सारी रात ट्रीटमेंट चला, सुबह ये हुआ कि आपकी सेवा नहीं, आपने बैठना है। मैंने कहा नहीं, हमारी किस पर्पज से हैं। सुबह हम लोग सेवा में चले गए 8:30 बजे। गांव वालों ने इतना प्यार, संगत ने इतना प्यार दिया, सारी रात कभी दूध कभी घी कभी हल्दी हमें मिलती रही, पेन किलर इंजेक्शन भी लगे, टैबलेट्स भी दे दी। सुबह हम सेवा में पहुंचे तो हमें कहा सेवा नहीं करनी। मैं कहा सेवा के लिए आए, सारा दिन सेवा की। शाम को 7 बजे मेरी आंटी मेरे बच्चों को, तब तक पता नहीं था क्योंकि कुर्ते पजामे पहने, गर्मी का टाइम था, सारी बैंडेड लिपटी हुई थी, कहीं प्लास्टर चढ़ा था, इनको शाम को पता लगा कि रात को। कहते आपने बताया नहीं। मैं कह देना क्या था, टेंशन उनके आए हैं, टेंशन खत्म करने के लिए ना देने के लिए। शाम को वहाँ से कार में बैठ के जब दिल्ली आए, 1:30 बजे पहुँचे तो पता लगा कि आज हमारा एक्सीडेंट हुआ है, पेन स्टार्ट हो गई। 2:30 बजे मुझे मैक्स हॉस्पिटल साकेत में शिफ्ट किया। डॉक्टर ने कहा अंकल इतने आपको फ्रैक्चर्स हैं कि आपकी तो पूरी सर्जरी होनी है। कहते हैं इन्फेक्शन भी फैल चुका है 24 घंटे के अंदर। मैंने कहा टेटनेस के इंजेक्शन। मैंने वहाँ से 1 रात को डिस्चार्ज लिया, घर आ गया। उन्होंने लिख दिया कि अंकल अपने आप डिस्चार्ज लेके गए। आंटी मेरी कहती है बच्चे, गुरुजी की कृपा कि टोटल परिवार के 12 बच्चे डॉक्टर हैं, सत्संग शॉर्ट किया है, अदरवाइज आपको सत्संग का मतलब पता लगा कि गुरु ने क्या कृपा नहीं की। साइकिल नहीं थी, आज कितना शुक्राना करूं कि किस चीज की कमी को कुछ मान भी नहीं सकता, और वो कृपा रही गुरुजी की। 17 साल पहले गुरुजी ने एक अखंड जोत जलवाई थी कि मेरी जोत जला दे, अपने आप बुला लांगा। मैं ज्यादा टाइम नहीं गया गुरुजी के पास, कुछ समय के लिए गया, बीच में फटाफट डुगरी हॉस्पिटल में ले गए, गाड़ी को वहां से रिमूव किया क्योंकि गाड़ी के कुछ डॉक्यूमेंट्स में कमी थी। तो जैसे सेवादारों ने गाइड किया कि ऐसे ऐसे केस बन जाए ना, डुगरी हॉस्पिटल में गाड़ी को उठवा के रखवाया गया। सारी रात वहाँ ट्रीटमेंट चला, 2 बजे पूरी मंदिर की टीम आ गई कि अंकल ये क्या हुआ। मैं कह ये हमारे बड़ा बहुत बड़ा कष्ट गुरुजी ने टाला है, अगर हाईवे पे होता तो हमें दिन में तारे नजर आ जाते। सारी रात ट्रीटमेंट चला, सुबह ये हुआ कि आपकी सेवा नहीं, आपने बैठना है। मैंने कहा नहीं, हमारी किस पर्पज से हैं। सुबह हम लोग सेवा में चले गए 8:30 बजे। गांव वालों ने इतना प्यार, संगत ने इतना प्यार दिया, सारी रात कभी दूध कभी घी कभी हल्दी हमें मिलती रही, पेन किलर इंजेक्शन भी लगे, टैबलेट्स भी दे दी। सुबह हम सेवा में पहुंचे तो हमें कहा सेवा नहीं करनी। मैं कहा सेवा के लिए आए, सारा दिन सेवा की। शाम को 7 बजे मेरी आंटी मेरे बच्चों को, तब तक पता नहीं था क्योंकि कुर्ते पजामे पहने, गर्मी का टाइम था, सारी बैंडेड लिपटी हुई थी, कहीं प्लास्टर चढ़ा था, इनको शाम को पता लगा कि रात को। कहते आपने बताया नहीं। मैं कह देना क्या था, टेंशन उनके आए हैं, टेंशन खत्म करने के लिए ना देने के लिए। शाम को वहां से कार में बैठ के जब दिल्ली आए, 1:30 बजे पहुंचे तो पता लगा कि आज हमारा एक्सीडेंट हुआ है, पेन स्टार्ट हो गई। 2:30 बजे मुझे मैक्स हॉस्पिटल साकेत में शिफ्ट किया। डॉक्टर ने कहा अंकल इतने आपको फ्रैक्चर्स हैं कि आपकी तो पूरी सर्जरी होनी है। कहते हैं इन्फेक्शन भी फैल चुका है 24 घंटे के अंदर। मैंने कहा टेटनेस के इंजेक्शन। मैंने वहाँ से 1 रात को डिस्चार्ज लिया, घर आ गया। उन्होंने लिख दिया कि अंकल अपने आप डिस्चार्ज लेके गए। आंटी मेरी कहती है बच्चे, गुरुजी की कृपा कि टोटल परिवार के 12 बच्चे डॉक्टर हैं, सत्संग शॉर्ट किया है, अदरवाइज आपको सत्संग का मतलब पता लगा कि गुरु ने क्या कृपा नहीं की। साइकिल नहीं थी, आज कितना शुक्राना करूं कि किस चीज की कमी को कुछ मान भी नहीं सकता, और वो कृपा रही गुरुजी की। 17 साल पहले गुरुजी ने एक अखंड जोत जलवाई थी कि मेरी जोत जला दे, अपने आप बुला लांगा। मैं ज्यादा टाइम नहीं गया गुरुजी के पास, कुछ समय के लिए गया, बीच में गुरु ने बड़ी कृपा की। घर से क्रिटिसिज्म मिलता था कि अपने गुरु से संभल देनी थे, दूजे गुरु तार ले, हमारे गुरु जी हैं पंजाब में। तो मैं इनका पहले गुरु माँ बाप,
दूसरे वो और तीसरे ये, एक गुरु बीच में वो भी रहा जिन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कि इस मुकाम तक पहुंचाया। बड़ा क्रिटिसिज्म मिलता था, जाता था। आज पूरा परिवार कहते हैं, क्योंकि मैं परिवार में सातवां नंबर हूँ, सबसे छोटा, कहते कि तेरी हाजिरियों की वजह से गुरु जी कहती एक आएगा पूरे परिवार को उतार दूंगा, और वो उतार दिया। आज परिवार कहते वाकई में कृपा है, मैं आ गया। ढाई महीने में बेड पे रहा, मैंने कोई सर्जरी नहीं कराई, बच्चे मेरे बाहर हैं सारे, आंटी बेटा आ गया, कहते पापा आप क्या कर रहे हो? डॉक्टर्स का कहना है कि आपकी टांगें भी कट जाएगी, शोल्डर भी। मैं कह मैं और क्या चाहता हूँ, मैं देखूँ इन डॉक्टरों में कितनी ताकत है और मेरे रब में। ढाई महीने टांगों में स्वेलिंग, इन्फेक्शन, सिर्फ एंटीबायोटिक मैंने ली और गुरु जी का अमृत प्रसाद, और एक ही कहता था सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। भरतपुर, नारनौल, गंगानगर, राजस्थान, सिरसा तक गुरु जी गाड़ी में लेटा के ले आते थे, संगत के अंकल चलना है सत्संग पे। मेरी आंटी कहती थी आपको पता नहीं क्या हो रहा है, मगर आपका ट्रस्ट भी ठीक है, क्योंकि हमने ये सब कुछ देख लिया। क्या नहीं मेरी घर में हुआ, बच्चों की एजुकेशन, आंटी की बीमारी, जीरो था, जीरो, साइकिल नहीं थी। आज कितना शुक्राना करूं, सबसे पहले एक माफी चाहूंगा, लेट हुआ क्योंकि इतना ट्रैफिक था। हम चले थे 5 बजे, वहां से पहुंचे यहां पर 7:15-7:30 बजे, तो ये भी एक शायद कोई उनका उसमें भी कोई रजा थी। हाजरियां लगती रही, चलता रहा। मेरे डॉक्टर आंसू बहा के रोते हैं, बड़े मंदिर दर्शन करके आए कि अंकल आपका इतना यकीन था, कोई सर्जरी नहीं हुई। अभी मैं फिर वही एज यूजुअल, अभी पूरा हरिद्वार ऋषिकेश होके आया हूँ 4 दिन पहले। 4 दिन का वहाँ स्टे था, स्टे भी कहाँ, संगत के यहाँ। जहाँ जाता हूँ कहीं होटल में नहीं रुका, इतनी प्यारी संगत के यहाँ स्टे हो। तो आया हूँ तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने गाड़ी चला ली, आपको कोई दिक्कत हुई? मैं कहा मुझे तो पता भी नहीं लगता कि कभी मेरा एक्सीडेंट होता। बिना सर्जरी के आज गुरुजी ने, ये तीसरा जन्म है मेरा, पहले 2007 में एक्सीडेंट हुआ, फिर 14 में और अब 17 में। तो गुरुजी की कृपा है पूरे परिवार पे, संगत पे, और शुक्राना क्या करूं, क्या कहूं, नहीं दिया बेटी एक हार्ट पे। छोटे छोटे सत्संग में शेयर करता हूं, बाकी अंकल कर लें। उसके बाद जब तक आप कहोगे, हर सत्संग में एक इच्छा होती है, गुरु जी नवा सत्संग कराना, पुराने सुन सुन के लोग आगे नहीं। और ये गुरु का प्यार है कि जो उन्होंने ये जीवन दिया, जीवन दा फुल नित नहीं खिलना, बार बार नहीं अवसर मिलना, गुरु ने अवसर दिया है तो हमें क्या करना है, सिर्फ गुरु जी का नाम लेना है, उठते बैठते सोते जागते। अपने लिए कभी गुरु से नहीं कहा, और ना आंटी ने कहा, मांगना नहीं है, मांगी हुई चीज वापिस जाती है, और जो रब दे वो हमेशा के लिए। एक अरदास होती है, मैंने आपको भी नहीं कहूंगा कि मांगो या मैं कुछ कर सकता हूं, करना उन्होंने है। बस एक ध्यान रखना कि कोई पंडित, पुजारी, पाठी, मौलवी, एस्ट्रोलॉजर दुनिया नहीं बदल दे। सानू पता है बदल सकता है हथे दियां लकीरां नू, सानू पता है बदल सकता है मत्थे दियां लकीरां नू। जय गुरु जी, आप अंकल कर लें, फिर उसके बाद मैं आपकी सेवा में। जब तक आप कहेंगे मैं ऐसे ही खड़ा होके हाजिरी भरूंगा, बिकॉज मैं 365 दिन रिश्तेदारी का कोई मतलब नहीं है। जैसे मेरी बेटी सोनिया ने कहा, सोनिया जब मिली थी 3 साल पहले, तो आंटी को मैंने वही कान में कहती है हाँ अंकल। तो आज गुरु ने सब परिवारों पे मेहर की है, गुरु जी की इतनी कृपा है कि 12 साल से कोई काम धंधा बिजनेस नहीं, सिर्फ यही मेरी नौकरी है कि तेरी हाजिरी भरना मेरा काम है। और वो जब तक आप कहेंगे मैं आपकी सेवा में रहूंगा। जय गुरु जी।